Hello friends, welcome in today's video. And in today's video, we will start a new topic of our chapter, Atoms, Molecules and Atomic Structure. और जो topic हम पढ़ने वाले हैं, that is about the molecules. जैसे कि हमने अपने पिछले lectures में cations and ions के बारे में पढ़ा. I hope that's clear to all of you. Now without wasting any time, let's start today's topic about the molecules. जनरल में हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो होता है ये ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का जो केमिकली बॉन्ड होते हैं. अब केमिकली बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये वो फोर्स है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करता है ताकि वो एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बनाए. और अगर हम इस केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो इसके मेन दो टाइप्स हैं, एक है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो अपोजिटली चार्ज आयोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में एक्ट होता है. आते हैं हम अपने टॉपिक मॉलिक्यूल्स पे वापस. और हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल है ये ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स के जो केमिकली बॉन्ड होते हैं. और एक मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का एक्सेप्ट द एलिमेंट जिसकी एक अलग एग्जिस्टेंस होती है, आई मीन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, और ये प्रॉपर्टी दिखाता है उस सबस्टेंस की. फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O की बात करेंगे, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वाटर का जो सारी प्रॉपर्टी इस वाटर की दिखाती है. और जो मॉलिक्यूल है वी नो कि मॉलिक्यूल एटम्स का बना हुआ होता है, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स का बना हुआ होगा, तो इसकी वजह से इसको कैटेगराइज किया दो टाइप्स में. एक को हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं और दूसरे को हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम एलिमेंट के बने हुए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल N2, O2, H2. N2 जो है दो नाइट्रोजन एटम्स का बना हुआ होता है, O2 दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का और H2 दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का. तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो जो दूसरा टाइप है वो है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2O, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CO2. अगर हम H2O की बात करेंगे, ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है और एक ऑक्सीजन का. CO2 जो है एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का, मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं. तो आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.